सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये सब हो रहा है। मैं तुम्हारा पिता रामदीन, ये सब बंद करो। बाबा आप कौन है और कहां से आए हैं आप? और इनकी शक्ल तो हमारे पिताजी से मिलती जुलती है। सच में भगवान की लीला देखिए,
हमारे बाबूजी को ले गए और आपको भेज दिया। लेकिन बाबा जी आप हैं कौन? बेटी मैं तुम्हारा ससुर हूँ, इस घर का मालिक। देखिए अब जो कोई भी है प्लीज इस शोक सभा को आसानी से हो जाने दीजिए, वरना मेरे मृतक पिता की आत्मा को बहुत दुख होगा। लेकिन बेटा मैं बाबा प्लीज आप बात को समझिए, पहले इन संस्कारों को हो जाने दीजिए, फिर मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। तब तक आप वहां बैठ जाइए, मेरे साथ आइए। चलिए सोहनलाल तुम तो मुझे जानते हो ना। कौन हो भाई तुम, मेरे गले पड़ रहे हो? अरे मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ सोहनलाल। तुम बचपन का दोस्त तो मर चुका है, मैं तो तुमको जानता तक नहीं। ये शर्म आनी चाहिए सोहनलाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए आप शांति बनाकर रखिए, वरना मुझे मजबूरन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अरे वाह वकील साहब, तुम लोग तुम जो जानते हो ना, हाँ बोलते क्यों नहीं तुम सब लोग, अरे कुछ तो बोलो कोई। वाह वकील साहब वाह, वैसे कितने पैसे तुम्हें मिले ये सब नाटक करने के लिए? अरे बोलो कितने पैसे दिए इन लोगों ने? बाबा मेरी आइए बेटा। अरे सुमन पानी वानी लेके आओ। देखिए बाबा अब आप बताइए आप कौन हैं और कहां से आए हैं? कहीं आप ये सब हमारी जमीन जायदाद के चक्कर में तो नहीं कर रहे हैं ना? मैंने कहा ना कि मैं रामदीन हूं, तुम्हारा पिता। रामदीन हमारे ससुर जी का नाम है जो नदी में बहकर मर गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग ये नाटक क्यों कर रहे हो, आप मुझे पागल बनाना चाहते हो क्या? मैं तो कहता हूँ बेटा हमें इस बहुरूपी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं देखिए इनकी शक्ल हमारे बाबूजी से मिलती है, तो ये हमारे पिता समान हुए ना। आप एक काम करिए, आप आज यहीं रुक जाइए, हमें भी अच्छा लगेगा, कल चले जाइएगा, हम आपके लिए साफ कपड़े लेकर आते हैं। सुमन ये देखिए क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही कहा था पर आपको तो मेरी बात सुननी नहीं है ना। अब देखिए क्या क्या लेके गए। नहीं सुमन वैसे भी बाबूजी के कमरे में ऐसा कुछ था नहीं, और देखो ना कितनी अजीब बात है, शक्ल से बाबूजी लगते थे लेकिन काम क्या करके चले गए। भाई आप पुलिस को बुलाएं क्या? नहीं मधु, इससे हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। हेलो जी मैं आ रहा हूं। सुमन मैं एक घंटे में आ रहा हूं।
मेरी आईडी और मेरे पेपर्स कहाँ छिपा दिए हैं तुमने? हाँ, मेरी जमीन जायदाद के पेपर्स कहाँ हैं? वो भी छुपा दिए तुम सब लोगों ने। अरे चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, अरे तुम सबके सब घर वाले मिलके क्यों नाटक कर रहे हो मेरे साथ? नाटक? अरे नाटक तो आप कर रहे हैं हमारे साथ, वो भी इतना बड़ा। आखिर आप कौन से प्रॉपर्टी के पेपर की बात कर रहे हैं? आखिर क्या दुश्मनी है आपकी हमसे? क्या बिगाड़ा हमने आपका? देखिए, अभी तो पिताजी की आत्मा भी परलोक नहीं सिधारी और आप ये सब। नरक में जाएगा तू, नरक में। मुझे जीते जी मार रहा है। देखिए, आप मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, आपको मुझसे एक रुपया भी नहीं मिलने वाला, चाहे आप कुछ भी कर ले। मैं भी देखता हूँ मैं मुझे कैसे मेरी पहचान से अलग करते हो। छोड़िए मुझे, अगर मैं आपको उस दिन पुलिस के हवाले कर देता ना, तो आज ये नौबत ना आती। देखिए, एक तो मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ और ऊपर से आपकी शक्ल हमारे पिताजी से मिलती है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कीजिए और जहां से आया ना वहीं लौट जाइए। अरे बाबा आओ आओ, बहुत माल है, तुम भी ले लो। सुना है मरने वाला बहुत ही कंजूस था। ये हमारे बाबूजी के 85 सालगिरह के कपड़े हैं, इनसे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। ए! बंद करो ये सब, कितने दुष्ट हो तुम सब के सब। अपने जिंदा बाप को मार कर उसी के सामने उसके कपड़े और सामान बांटकर कौन सा पुण्य कर रहे हो तुम लोग? सबके सब नरक में जाओगे, सबके सब नरक में जाओगे। देखिए बाबा, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। ये लो। वकील साहब, अब जल्दी से जायदाद मेरे नाम पर करवा दीजिए, वरना मैं अपने बाप का खून सच में कर डालूंगा। भैया। हाँ हाँ, तुम्हारे नाम पर भी। अरे किशोर जी, थोड़ा तो इंतजार कीजिए, सरकारी काम काज में कम से कम एक महीना तो जाता ही है। पर अभी दिन ही कितने हुए हैं? वकील साहब, जो करना है जल्दी कीजिए। ये बुड्ढा ना मेरे सर पे भूत बन के खड़ा है, और वैसे भी अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अरे भाई, तुम लोग अपने चक्कर में हमारा हिस्सा मत भूल जाना। हाँ। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे जीते जी मार दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी एक नंबर का झूठा और भैरूपिया है, अपने आप को हमारा बाप कहता है। हाँ, और जबकि वो इनके पिताजी तो मर चुके हैं। देखिए, मेरे पास उसका सबूत भी है, ये देखिए। क्या है ये सब? कौन हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, मैं इस घर का मालिक हूँ। मेरे पेपर्स, मेरे आईडीज़ इन लोगों ने पता नहीं कहाँ छिपा दिए हैं। मेरी मदद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। पहले सबूत लाइए, फिर मैं आपकी कुछ कर सकता हूँ मदद। और सुनो, अगली बार इन लोगों को परेशान किया ना तो सीधे अंदर डाल दूंगा तुमको। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा बेटा, मेरी बेटी और ये मेरी बहू, शर्माती है तुम लोगों को अपना कहते हुए।
अरे इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अरे देख क्या रहे हो, इसे धक्के मार के बाहर निकालो। चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरे घर से निकाल के ठीक नहीं कर रहे हो बेटा। कहते हैं बेटा बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है। हर बाप अपने बेटे को बहुत ही उम्मीदों और सपनों से पालता है ताकि बेटा उसकी मृत्यु के बाद उसकी चिता को अग्नि दे सके, उसके मुंह में गंगा जल डाल सके। लेकिन जब बेटा अपने ही पिता को जीते जी गंगा में डुबोकर मारने का कुकर्म करे तो बाप बेटे का यह रिश्ता दागदार हो जाता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए हैरतअंगेज एपिसोड में। पहले तो किशोर ने दुनिया को यह साबित करने की कोशिश की कि रामदीन एक बहरूपिया है, लेकिन रामदीन भी उसके सामने डटकर खड़ा हो गया। लेकिन रामदीन को यह अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा किशोर बहू बेटी और उसके साथी मिलकर आगे उसके साथ कितना जघन्य अपराध करने वाले थे। बाबूजी, इंजीनियर साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे बंगले का पूरा नक्शा बदल दें और पैसे की चिंता बिल्कुल ना करें। किशोर जी, ये बड़े इंजीनियर हैं,
पूरे घर का नक्शा बदल देंगे। मिटारे देश से जुर्म का नामो निशान, आ रहे हैं अली और हनुमान। CIF हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। अगले हफ्ते हम आएंगे बुलडोजर लेकर और घर गिराने का काम शुरू कर देंगे। तब तक आप कहीं और शिफ्ट कर लीजिएगा। राइट। hey! hey! क्या कहा? क्या क्या कहा? ये कौन है? मेरे घर पर बुलडोजर चलाओगे? कौन है ये? कोई नहीं, ये एक पागल आदमी है जो अपने आप को इस बंगले का मालिक समझता है। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों काम चालू रखो, मैं हूं ना। मेरे जीते जी इस घर की एक ईंट नहीं तोड़ने दूंगा, एक ईंट नहीं। जीते जी, मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है क्या? ठीक है, देख लेना। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, देख लेना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब शांति की सब कोशिशें नाकामयाब हो जाए और युद्ध अंतिम विकल्प बन जाए तो फिर युद्ध ही न्याय संगत होता है, फिर वो चाहे अपनों से हो या परायों से। रामदीना जैसे ही दोराहे पर खड़ा था, उसकी लड़ाई इस दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से थी। रामदीन की लड़ाई उसकी पहचान के लिए थी, एक जिंदा आदमी की खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई। लेकिन रामदीन के लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला था। एक तरफ शातिर अपराधियों का घना जाल तो दूसरी तरफ एक मजबूर बाप की बेबस लाचार दुहाई। लेकिन रामदीन अपने लक्ष्य की तरफ निकल चुका था, अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। सर, मेरे पिता का कुछ पता चला? आज 15 दिन हो गए पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, आप अगले हफ्ते आइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चों ने मुझे मृत घोषित कर दिया है, जमीन जायदाद की खातिर मुझे मारने की कोशिश की गई है। आप यहाँ भी आ गए? अरे मैं जिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब। सर, बोलने से मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो जाएगा। आप जाइए यहाँ से, मुझे और भी काम है, मेरा वक्त जाया मत कीजिए। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं आपको इंस्पेक्टर साहब? मैं अरे मैं रामदीन हूँ, रामदीन व्यास, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जिंदा हूँ। भरत, ये आदमी परेशान लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। जी सर। अब जो कोई भी है प्लीज इस शोक सभा को आसानी से उजाने दीजिए, वरना मेरे मृतक पिता की आत्मा को बहुत दुख होगा। यह
इसे धक्के मार के बाहर निकालो। बाबूजी, भाभी क्या? अरे? ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? पता नहीं, कुछ वायरल वीडियोस में से मिला। कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था आपको? पर आपको तो मेरी एक बात माननी नहीं है, सब कुछ अपनी मर्जी से करना है। अगर ये वीडियो वायरल हो गया ना तो लेने कितने पड़ जाएंगे। चुप रहो तुम, बहुत बोलती हो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बाबूजी बाबूजी, आप सही कहते थे, आपको स्वर्ग में जगह मिले ना मिले, हमें तो नर्क में भी नहीं मिलेगी। बाबूजी, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। बाबूजी, हमारे पास तो आपसे माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। पिताजी, एक बाप अपनी बेटी को घर से विदा करता है और मैं तो आपको आपके घर से निकालने के लिए इन लोगों की मदद करी। आपने मुझे पैदा करने से पहले मेरा गला क्यों ना घोटा? माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी अंदर चलिए हमारे साथ। चलिए बाबूजी, आइए अंदर चलिए बाबूजी। आइए बाबूजी, बाबूजी एक सेकंड, बाबूजी इसको उतार के फेंकिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइए बाबूजी। ये रसीद रखो और जब अस्थि लेने आओगे तो लेके आना, ठीक है? जाओ जाओ। एक रसीद मेरे पास थी, 17 दिन का एक बुड्ढे को चलाने के लिए कितना पैसे ले? बोल, तो इसी चिता में जला दूंगा तेरे को मैं। तुम कहीं नहीं जाओगे, इस घर में बंद रहकर सारे काम करोगे और जरा सी भी चलाकी करने की कोशिश की ना तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, समझ गए तुम? वाह बेटा वाह, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी गिरी हुई औलाद आज तक नहीं देखी। मुझे घर में बहाने से लाकर इस तरह कैद करके तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये कुछ कपड़े हैं, आज धुल जाने चाहिए, इसके बाद झाड़ू पोछा और जब सारा काम हो जाए तो किचन में आ जाइएगा खाना बनाने। और पिताजी,
मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से थोड़ा सा खाना बना दीजिएगा, कुछ अच्छा बनाइएगा, ठीक है? स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक हैं तो हमें क्या चिंता। जिनके न्याय चक्र से सृष्टि में हो रहा है पापों का नाश, सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा। पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर होगा भक्तों के जीवन का अंधकार। शनिदेव महाराज की महिमा। शनिदेव की सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। बाबूजी, आप सोशल मीडिया पर भी हैं। वेरी स्मार्ट। नई पोस्ट डाल रहे? मैं बताती हूँ क्या लिखना है। लिखिए, मैं रामदीन अपनी मर्जी से आत्महत्या करने जा रहा हूँ और इसमें मेरे बच्चों और बहू का कोई दोष नहीं। लिखिए ना, लिखिए बाबूजी। मैं लिखती हूँ। कहाँ बाबूजी? अरे भैया, उससे नहीं, इससे मारिए, इससे पूरी तरह आत्महत्या लगेगी। गोली मत मारना पिताजी। ये क्या किया? तो हल्लाल को मार दिया इसने। गोली मत मारना पिताजी। नहीं नहीं, क्यों अखिल? अब कैसे साबित करोगे ये खून मैंने किया है? अरे एक मरा हुआ इंसान किसी को भला कैसे मार सकता है? कैसे साबित करोगे तुम? अब तुम सब मरोगे। हमसे गलती होगी पिताजी, और मैं बेकसूर साबित हो जाऊंगा, देख लेना। बाबूजी गोली मत मारना। एक मरा हुआ इंसान रामदीन जो पहले से मर चुका है वो किसी का खून कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता ना? हाँ नहीं कर सकता ना? मैंने ठीक कहा ना बेटा? मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब इसके किया धरा है। मैंने तो ये भी कहा था कि बुड्ढे को घाट पे मार दो, फिर क्यों नहीं मारा? तुम्हारे चक्कर में हम सब फंस रहे हैं। अब रुक जाओ। चुप। साधन टक 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 करती रहती हो। मैं तो इनको मारा था, लेकिन ये बची तो मैं क्या करूं?
घंटे हो गए, बुड्ढा मिला नहीं अभी तक। मैं पहले कह रही थी ना, जाके ढूंढिए उनको। अरे बहुत ढूंढा, लेकिन लगता है बुड्ढा भरकर पानी में बह गया। अगर वो वापस आ गए तो? आज का पिछला जन्म उसके सपनों के रास्ते से उसे याद दिला सकती हो। ओम नमः शिवाय। कोई भी व्यक्ति इस झील में डुबकी लगाता है, उसे अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। अगर हम रियल लाइफ में सांप होते तो? जो हमारे सपने होते हैं ना, कहीं ना कहीं वो हमारी हकीकत से जुड़े हुए होते हैं। फिर लौट आई नागिन, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। ये लो पैसे, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? आप चिंता ना करो साहब जी, ये राज राज ही रहेगा। परसों जब आना, ये रसीद लेके आना और अपने पिताजी की अस्थियां लेके जाना। अरे इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया? इस सबूत को फटाफट मिटा डालो। ओके, समझ गए। मेरे पिताजी घाट पे स्नान कर रहे थे, उन्होंने लाल कलर का गमछा पहना था, आपने देखा क्या? नहीं तो माफ कीजिएगा। आगे की कहानी मैं बताता हूं। तुम लोगों को लगा होगा कि मैं पानी में डूबकर मर चुका हूं, लेकिन मैं मरा नहीं था, ईश्वर ने मुझे बचा लिया। किसी की दया से मैं पानी से बाहर आ गया, और किसी तरह जब यहां पहुंचता हूं अपने घर पर, तो देखता हूं कि तुम लोगों ने मुझे जीते जी मार दिया है। अरे कैसी औलाद हो तुम लोग, कैसी? मोहनलाल उठो मेरे दोस्त, आओ। छोड़ दे सोहनलाल, मुझे मर जाने दे। देख सोहनलाल, तू मेरे बचपन का दोस्त था ना, उन्हें भी मेरे साथ लगा किया है, उन कमीनों के साथ तू भी मिल गया था। माफ कर दे मेरे दोस्त, माफ कर दे, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मैं लालच में बह गया था। अरे मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं तेरा साथ दूंगा, मेरा भरोसा कर मेरे दोस्त। हम दोनों मिलकर उन सभी को अच्छा सबक सिखाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ, चल 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 चल। ये तो जिंदा भैया, बोल रहा जिंदा। सोहनलाल जी, बंदूक नकली थी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। हस्ती खिलखिलाती संतों से जुड़ा अभिमानी धर्मराज का साथ। ये शादी होगी धर्मराज माहिया वंशी उस लड़की के साथ शादी। लेकिन रिश्तों को एक करने संतो देगी अब कौन सा बलिदान? मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मेरी संतान इस घर के रिश्ते में कभी नहीं आएगी। बंदनी, सोमवार से रविवार 7:00 बजे दंगल पर। अच्छा हुआ तुम्हारा प्लान मैंने सुन लिया, नहीं तो मैं भी इस पाप का भागीदार हो जाता। तुम लोग बहुत दुष्ट लोग, बुरे लोगों का बुरा नतीजा। मैं कह रही हूँ आपको,
ये सोहनलाल को भी रस्ते से हटा दीजिए, वो सांप है, एक दिन रामदीन से मिल जाएगा और हमारा सारा हिस्सा भी ले जाएगा। हाँ भैया, मुझे लगता है भाभी सही कह रही हैं। ठीक है, पिताजी के साथ साथ सोहनलाल को भी रस्ते से हटा देते हैं। हम आदमी काम के नहीं मगर स्मार्टफोन रखते हैं, इसलिए हमारे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करना। सारा सबूत लाइव हो गया है इंटरनेट पर, देखो। मैंने तो ये भी कहा था कि इस बुड्ढे को घाट पे मार दो, फिर क्यों नहीं मारा? तुम्हारे चक्कर में हम सब फंस रहे। मैं तो इनको मार रहा था, लेकिन ये बच्चे तो मैं क्या करूं? चलिए किशोर बाबू, एक मासूम की हत्या और एक जीवित इंसान को मुर्दा साबित करने के अपराध में आपको जेल की हवा खिलाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, दोनों अपराध कैसे साबित करोगे आप? जो वकील बाबू बताइए जरा इनको। हमारे पास इनका डेथ सर्टिफिकेट है। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, आपके पास प्रमाण पत्र है, और आपके पास क्या है रामदीन जी? और यही सबूत है जिंदा रहने का रामदीन का। क्यों वकील साहब, सही कहा ना? गिरफ्तार करो उसे। रुकिए, दुनिया में किसी भी आदमी की पहचान होती है उसका नाम, वो नाम जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी जीता है, वो नाम जो उसके मरने के बाद भी जिंदा रह जाता है। किसी का नाम ही उसकी जीने का आधार है। रामदीन की पहचान और नाम दोनों ही उससे छीन ली गई, लेकिन रामदीन ने समय रहते अपने अधिकार के लिए आधार का उपयोग कर अपने जिंदा होने का सबूत दे दिया और अपराधियों को उनके किए की सजा मिल गई। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।